हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं पहाड़ी सोल ब्लॉगर। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं और वो है ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बीच में बनने वाली सबसे बड़ी टनल का, जो कि बन रही है करंटली देवप्रयाग से लचमुली के बीच में। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल मैप के लोकेशन पर कि कहाँ पर एक्चुअली में ये जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट करती है। सो, अभी हम आ चुके हैं मेरे गूगल मैप के इंटरफेस पर। सबसे पहले मैं आपको देवप्रयाग लोकेट करवाता हूँ। सो अभी आप गूगल मैप पे देख रहे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, खास बात सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो आपका इधर वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ से बहती है अलकनंदा नदी। और इसके अपोजिट साइड पर ये हिस्सा पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल में, जहाँ से बहती है भागीरथी नदी, और दोनों मिला के गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग पर करते हैं। और ये है पौड़ी से देवप्रयाग जाने वाली रोड, देवप्रयाग से पौड़ी जाने वाली रोड, जिस पर लिखा हुआ है देवप्रयाग पौड़ी रोड। और इसी के किनारे पे जो जगह है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसी रोड पर आगे आगे जाएंगे तो ये जो सिराला, जहाँ पे सिराला लिखा हुआ है, ये जगह जहाँ पे बिल्कुल मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहीं पे बन रहा है आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सबसे बड़ी सुरंग। और गूगल मैप पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं, पुराना सेटेलाइट मैप होता है जो अपडेट नहीं होता है, तो इस टाइम पर नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑन गोइंग साइट लोकेशन में बहुत कुछ चल रहा है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको उसी जगह पर ले जाऊँगा। और इसी के आगे पे सो टनल खुद रही है, यहीं पे सिराला से स्टार्ट हो रही है और ये जाएगा आपका लचमोली। लचमोली को भी मैं मैप पे दिखा देता हूँ आपका, जूम आउट करके देवप्रयाग और श्रीनगर वाली रोड पे आगे जाके भगवान से थोड़ा सा आगे, करीब 7-8 किलोमीटर आगे, ये जगह है लचमोली। और ये है लचमोली, इसी हिस्से में जो काम है वो शुरू होगा, मतलब हो चुका है वैसे शुरू टनल को एंड करने का, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लचमोली के बाद पड़ेगा आपका मलेथा का रेलवे स्टेशन, जिसकी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कभी बाद में। तो अब चलते हैं साइट लोकेशन पर। दरअसल जो पिछली वाली वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो सीधे साइट पे मिलते हैं आपको क्या सीन हो रहा है। सो एवरीवन, अभी कैमरे के लेंस पे भी पानी घुस चुका है यार, कुछ साफ नहीं दिख रहा है। सो, अभी मैं एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह पे हूँ और वो स्पेशल जगह है देवप्रयाग से लचमोली के बीच में निकलने वाली और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बीच की सबसे लंबी सुरंग जहाँ पे खोदी जा रही है उस जगह पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ और क्योंकि मैं अभी माइक का सेटअप नहीं लगा रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको बाद में वॉइस ओवर करूंगा, तो अभी आप बैक कैमरे से सारा व्यू का आनंद लो। सो दोस्तों, अभी आप सामने देख रहे हैं टनल का एक पार्ट जो कि देवप्रयाग में कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा है, और इसी के बगल में जो रेलवे स्टेशन है करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगे पे, जहाँ पे मैं दिखाता रहा वो पहले देवप्रयाग रेलवे स्टेशन वहाँ पे है। एक्चुअली मुझे भी ये जगह पता नहीं थी, लेकिन अभी भी पता लगी है। जब मैं यहाँ पौड़ी से आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे टनल का काम जो है वो चल रहा है, इसलिए वरना मैं इस पर काफ़ी पहले वीडियो बना देता। ये वाली रोड जाती है पौड़ी को और इसी रोड के किनारे पे ये यहाँ पे जो नीचे एक डाइवर्जन मोटर है, ये नीचे वाली रोड, ये जाती है सतपुली। और अब कुछ बी रोल सिनेमेटिक शॉट इस जगह के, क्योंकि बहुत सुंदर जगह पर है। अभी तो खैर पानी का कलर थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जब भी सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम पे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा कि मैं दिखाऊंगा उस टाइम की वीडियोज़ को। तो और ये वो जो ऊपर रोड है, ये आपका NH7 जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, और गंगा नदी बगल में है। और ये नीचे जाने वाली रोड है सतपुली व्यासघाट वाले इलाके में। व्यासघाट के बारे में मैंने आपको बताया है, और सतपुली तो आपको सभी को पता होगा। और यहीं पे इसी रोड पे आगे बागी पड़ता है, जहाँ पे देवप्रयाग से जाने वाली गंगा नदी और उस साइड से आने वाली, सतपुली से आने वाली नया नदी का संगम होता है। सो दरअसल जो ये टनल बन रही है इसकी लेंथ है 14.7 किलोमीटर्स, और जितनी सारी सुरंगें प्रस्तावित हैं उन सब में से सबसे लंबी है। 17 सुरंगें और 16 ब्रिजेस इस पूरे परियोजना में कम्प्लीट किए जाने हैं। 12 स्टेशन का प्रोजेक्ट है जिसकी लागत करीब 16,000 करोड़ थी एट द टाइम ऑफ प्रपोजिंग, जब उसका प्रस्ताव बनाया गया था, लेकिन अब बढ़ चुकी होगी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बाद में, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी लंबे भी और कॉस्टली भी हो जाते हैं। तो ये सारी बैरिकेडिंग इन्होंने इस जगह पर कर रखी है। ये काम रिसेंटली हुआ है, मुझे 2-3 महीने पहले इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम इसी रास्ते आते जाते हैं, मतलब NH7 से, तो वहाँ से दिखता रहता है ये वाला कंप्लीट एरिया। उस टाइम पे हल्का फुल्का ही था,
लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब जल्दी टाइम ड्यू भी उनको कंप्लीट करना है, 2025 तक ट्रेन चलानी है, तो उस लिए उन्हें सुरंगें वगैरह जल्दी बनानी पड़ेंगी, टनल्स वगैरह और ब्रिजेस वगैरह को भी। सो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया आपको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि ये मुझे दिखी नई चीज़, मैंने इस जगह के बारे में कोई भी वीडियो पहले नहीं बनाया था, तो इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैंने आप सबको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई। तो अभी क्योंकि बारिश का मौसम था, तो इसलिए मैं अंदर जाके तो बता नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी रेगुलेशंस होते हैं, और ऊपर से घर जाने की जल्दी, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा पत्थर गिर रहे थे ऊपर से रोड पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी दूसरे वाली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पे जाके टाइप कर सकते हैं, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, नया है, इस वाले अकाउंट पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा दूसरा अकाउंट है द हिमालयन क्लिकर, ये फोटोग्राफी के लिए है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।